ये लॉकडाउन आप जानते हैं जिस तरह का, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी योजना के, और वो भी बहुत लेट से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, तो न कोरोना से ठीक ढंग से लड़ाई हो पा रही है और न ही इस दौरान भूख से लड़ाई हो पा रही है। दोनों ही मोर्चे पे बेहद तकलीफ़ में है पूरा देश, पूरा मुल्क, और ख़ास करके वो हिस्सा जो रोज़ कमाता खाता है, जिसकी आबादी 70-80 करोड़ है, वो बेहद संकट में है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये सकारात्मक बात ये है कि इस दौर में जो है सरकार ने जहाँ एक सरेंडर वाली मुद्रा अपना ली है, वहीं मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में समाज बहुत मजबूती से इस पूरे दौर में खड़ा हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोग जो है इसमें उतर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, लोगों का हर तरफ से मदद कर रहे हैं। उसी रास्ते पे, उसी प्रक्रिया में हम लोग भी इस अभियान में हैं। एक तो ये है कि हम लोग मतलब कम्युनिस्ट पार्टी माले है, नागरिक अधिकार मंच है, आइसा है, BCM है, AISF है, ये इंसाफ मंच है, ये सेकुलर फोरम है, और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट है, ये तमाम संगठन एक ज्वाइंट एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग यहाँ माले दफ्तर से संचालित कर रहे हैं। और पिछले 7 दिनों में हम लोगों ने लगभग जो है 12,000 लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं जो भूख से बेहद संकट में है। और हम लोगों की जो पूरी इसमें दिशा है, कुछ फूड पैकेट दे देना नहीं है, हम लोगों की सरकार से भी यही मांग, हम लोगों की दिशा ये है कि हम ऐसे बेहद संकटग्रस्त, भूख से संकटग्रस्त परिवारों को चुन रहे हैं, जहाँ पे हम उसको एक परिवार को हम कम से कम 20-25 दिन 30 दिन का लॉकडाउन पूरा वो बिता ले, उतने दिन का उसको मुकम्मल एक भोजन का इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें चावल होता है, उसमें ये आटा होता है, जिसमें दाल होती है। कौन कौन से एरिया में कर रहे हैं ये? पूरे बनारस के हमने हर एरिया में, हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे जो एक्टिविस्ट साथी हैं, हम अननोन जगहों पे नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता साथी जाते हैं, एक सर्वे करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जहाँ समाज भी नहीं पहुँचा है और सरकार भी नहीं पहुँची है, ऐसे जगहों को चिन्हित करते हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हैं, और उसका एक सर्वे करने के बाद उसकी एक लिस्ट जो है, मैंने रोज़ हम दर्जनों मोहल्लों में पहुँचते हैं, रोज़ मैंने कोई एक मोहल्ला नहीं करते हैं। तो बनारस के जो शहरी मोहल्ले हैं उनको भी, और बनारस के जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी, और बहुत चुनिंदा हम जो है एक मोहल्ले में 10 परिवारों को चुन लिया, दूसरे मोहल्ले में 10 परिवारों को चुन लिया, तीसरे मोहल्ले में 10 परिवारों को चुन लिया। और ये जो पूरा अभियान है, दो इसके बहुत मजबूत स्तंभ हैं जिनके बल पर चल रहा है। पूरा बनारस का जो नागरिक समाज है उसका ज़बरदस्त इस पे सहयोग और समर्थन, ये इसके बिना नहीं होता, क्योंकि उसी के बल पे, उसकी आर्थिक ताकत और उसके बल पे हम चला रहे हैं। दूसरा, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही समर्पित, बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा श्रम, कठिन श्रम करने वाले नौजवान जो कार्यकर्ता हैं, जो बेहद संवेदनशील लोग हैं, उनके बल पे, उनके श्रम से, उसके समर्पण के चलते हम लोग चला पा रहे हैं। एक बात, अंतिम बात मैं आपसे इसके आगे कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ केवल राहत पहुँचा देना हमारा मकसद नहीं है। हम जानते हैं कि इस दौर में ये काम सरकार का था, ये सरकार की भूमिका थी कि वो लॉकडाउन करती, और लॉकडाउन के हम खिलाफ़ नहीं थे, लेकिन वो ऐसा इंतजाम करती कि एक महीने तक जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं उनको निकलना नहीं पड़ता घर से भूख के चलते, इसका इंतजाम करती। लेकिन ये हुआ नहीं है, कुछ ऊपरी किस्म की घोषणाएँ हैं लेकिन ज़मीन पर कहीं कोई राहत नहीं मिल रहा है। तो हम अब एक ऐसी लिस्ट भी बना रहे हैं, हम खुद राहत दे रहे हैं, खुद राहत पहुंचा रहे हैं समाज के बल पे, लेकिन हम सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे, उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और इस नाते हम लोगों ने अब एक लिस्टिंग हमने करनी शुरू की है, हम रोज़ अपना राहत देते हैं लेकिन एक ऐसी लिस्ट भी बनाते हैं जहां सरकार दावा कर रही है कि हम राहत पहुंचा रहे हैं लेकिन राहत पहुंचा वहां पे नहीं है। तो हम ऐसी लिस्ट भी मोहल्ले मोहल्ले हमने बनाना शुरू किया है, और कल से इस मोर्चे पे भी हम लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, और इस पे प्रशासन को, शासन को, सरकार को हम ज़बरदस्त तरीके से घेरबंदी में उसमें जाएंगे और उनको भी मजबूर करेंगे इस राहत अभियान में उतरने के लिए। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी रोज़ आ रहे हैं और एक दिन थाली पिटवा दिया, अब आगे कह रहे हैं कि दिया जलवाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जाँच कहाँ है, इलाज कहाँ है,
डॉक्टरों की सुरक्षा कहाँ है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा कहाँ है। ये लॉकडाउन चल रहा है लेकिन ये लोगों की संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ तो रही है, लगातार बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जो काम करना है इनको, जो काम भोजन के मोर्चे पर करना है और जो काम स्वास्थ्य के मोर्चे पर करना है, उस तरफ से चीज़ों को भटका करके ये देख रहा हूँ कि थाली पिटवाने में और हिंदू मुस्लिम करने में और जो है मैं देख रहा हूँ कि जो है अब दिया जलवाने में लगे हुए। इस बात को भी हम उठाना चाहते हैं कि उनको दवा का इंतजाम विधिवत करना होगा, भोजन का इंतजाम करना होगा और इलाज का इंतजाम करना होगा, और ये थाली पिटवाना और दिया जलवाने से काम हम चलने नहीं देंगे, इस बात को भी हम उठाने जा रहे हैं। और सोशली ये हो रहा है कि बेसिकली जो हर गाँव में जो पावरफुल लॉबीज हैं, जो राज मशीनरी है, वो उस पावरफुल लॉबीज के पास पहुँचती है, वो जो वहाँ का शासक वर्ग है, माने गांव के अंदर जो इस तरह की जो गांव के अंदर जिस तरह की जो दबंग फोर्सेज हैं, जो इस तरह के पावरफुल फोर्सेज हैं, शहर के अंदर जो इस तरह की सत्ता के साथ उनकी एक एकता रहती है, ऐसे लोगों तक ही प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, उनके माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। राज मशीनरी डायरेक्ट वहाँ पहुँचने की कोशिश ही नहीं कर रही है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि वो जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, एक तरह से उनके जो कारिंदे हैं, वहीं तक मदद जा रही है। जो व्यापक हिस्सा है, जो रियल इस तरह के लोग हैं, उन तक उनकी बात नहीं जा रही है। और हमको अब इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं, जो इस तरह के ज़मीनी काम करने वाले हैं, उनको इस कार्यभार को अब लेना होगा और उनकी एक लिस्टिंग करनी होगी, सरकार तक उसको बात को ले जाना। अभी सरकार की जितनी भी घोषणा है, जैसे नरेगा है, राशन को लेकर है, उज्ज्वला योजना है, दिहाड़ी मजदूर को देने का सरकार केंद्र का और राज्य सरकार का, उनमें से आपको कोई भी इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा कैसे भी? एक तो ये है कि जो घोषणा ही है वो बहुत उसमें लफाजी है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर इस समय किसी परिवार को 50 किलो अनाज ना दीजिए, अगर 20 दिन के लिए 10 दिन के लिए, तो एकदम लफाजी है ये, एकदम एक तरह से उसका मजाक उड़ाना है, उसके साथ एक तरह से मैंने जो है क्रूरता है। अगर कहिए तो इस समय जो भूख से बिलबिला रहा है उसको आप 5 किलो अनाज देने की घोषणा करें अगर, जो कि वो भी नहीं कहीं पहुंच रहा है। मैंने अगर 100 लोग हैं तो कुछ 5 लोगों के पास, 4 लोगों के पास ये रेशियो है। दूसरी बात, जो इनकी घोषणा फर्जी है, फर्जी इसमें सेंस में है कि वो अगर पूरी कोशिश करें तब भी सब तक इसलिए नहीं पहुँचेगी कि वो रजिस्टर्ड मजदूरों की बात कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं 1,000 लोगों को 1,000 रुपया हम खाते में डालेंगे, जो रजिस्टर्ड मजदूर है श्रम विभाग में। तो आप कहीं भी जाइए, अभी दिल्ली में एक आंकड़ा आया है कि 10 लाख जो है श्रमिक हैं, और उसमें पता चला कि बस 31,000 रजिस्टर्ड हैं वहाँ श्रम विभाग में। हर साल उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है, उनको पता ही नहीं है कि जो है कोई श्रम विभाग भी है। अब ये बनारस में अगर आप अभी सर्वे करें, किसी शहर में जाइए, किसी भी असंगठित मजदूर संगठित मजदूर, नागरिक समाज और इतने सारे जो संस्था हैं, इन्होंने ये सारे काम क्यों नहीं किए अभी तक कि उन इतने बहुत सारे लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो ये बनारस का जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, इन सब ऊपर लगातार क्या वो काम कर रहा है या कर रहा था? देखिए, एक बात तो ये कि किसी भी नागरिक, अगर राज मशीनरी को छोड़ दीजिए, नागरिक समाज की अपनी एक सीमा है, ठीक है। नागरिक समाज तभी बेहतरीन ढंग से चीज़ों को कर सकता है जब राज मशीनरी उसके साथ सहयोग करती है। तो नागरिक समाज तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है इन सब चीज़ों में वो राज मशीनरी है, वो जो सिस्टम है वो ऑलरेडी नहीं चाहता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं लोग रजिस्टर्ड हो। जैसे आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर मान लीजिए ये, अगर इसमें श्रम विभाग में ये आप जाएंगे अगर, तो वहाँ बात है कि ये प्रचारित किया जाए मजदूरों में जा करके कि आप रजिस्ट्रेशन लीजिए, आप ये करिए वो करिए, ये कतई कहीं भी नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप लेकर के सोसाइटी को लेकर के आप उन जगहों पर जाइए आप, तो आपको इतनी हतोत्साहित किया जाएगा, हो सकता है कि आपको जो है तरह तरह से आपसे, आपके साथ पैसे की बात होगी, तरह तरह के आपके साथ कमीशन की बात होगी, ये इतना अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इतना हमको देना होगा। वो उनकी मंशा ही नहीं है कि ये जो घोषणाएं हैं, उनकी मंशा है कि ये एक कमीशन खोरी का इसमें रास्ता बनाते हैं वो। ये जो जितनी सरकार की योजनाएं हैं, वो ये योजनाएं राज मशीनरी सरकार अपने आदमियों तक उसको पहुंचाना चाहती है, गरीबों तक नहीं पहुंचाना पाती। और इसके चलते आप देखेंगे कि गांव-गांव इस तरह के सरकारी एजेंट खड़े हो गए, वो सारी योजनाएं उन एजेंटों के माध्यम से जाती हैं और उसका बड़ा हिस्सा उस एजेंट के पास ही रह जाता है। तो नागरिक समाज तब कर पाएगा जब जो है राज मशीनरी उसके साथ कोई इस तरह का गोलबंदी बनाए, उसके साथ सहयोग करे। वो सहयोग छोड़ दीजिए, वो उसके ऊपर अटैकिंग मूड में रहता है, वो नहीं चाहता है कि इस तरह की चीज़ें हों। जी, हम लोगों का जो मकसद है, हम लोग कोई NGO नहीं है, हम लोग कोई इस तरह की NGO नहीं, कुछ राहत पहुँचा देना है लोगों को। हम लोग ये भी नहीं है कि कुछ हम लोगों को
संतुष्टि मिल जाए सिर्फ ये राहत पहुंचा देने से एक व्यक्तिगत, ये भी इसको मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन हम लोग ये भी नहीं है, हम लोग ये भी नहीं है कि कुछ सबाब करना है, कुछ अगले जन्म का दूसरे जन्म में कुछ हम लोगों को वो मिल जाए, ये भी नहीं है। हम लोग ये जो ये व्यवस्था को जो बदलने की जो लड़ाई है, वो जो जन पक्षधर जो व्यवस्था बनाने की जो लड़ाई है, इस राहत अभियान को हम उस लड़ाई का हिस्सा बनाते हैं। ये जो गरीबों की राजनीति को आगे बढ़ाना जो है, गरीबों की ताकत को जो है और जो है हमको राजनीतिक ताकत में जो बदलने की लड़ाई है, उस लड़ाई का हम इसको हिस्सा बनाते हैं। हम जानते हैं कि ये 5 किलो दे देने से या 10 किलो दे देने से उनके ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। हमको जो उसका जो असली जो हिस्सा है, जो उसका अधिकार है, इस देश में की जो संपत्ति है, इस देश का जो संसाधन है, उस पर जो उसका प्राधिकार है, जो उसको मुहैया नहीं है, उस लड़ाई का जो हम इस राहत अभियान को हम उस लड़ाई से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम हर गांव में जब हम ये हम राहत पहुंचाते हैं तो हम रिश्ता भी बनाते हैं। हम ऐसे लड़ने भिड़ने वाले ऐसे नौजवानों को भी तलाशते हैं, ऐसे लोगों को जो संवेदनशील लोगों को भी तलाशते हैं, और हम जगह जगह ऐसी एक टीम भी बना रहे हैं जो कोरोना के बाद भी ये लड़ाई को जारी रखें। ऐसा पहले माले बहुत समय से आपदाओं में लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो वोट कहीं और पड़ता है, ऐसा अधिकतर होता है, तो उस दिशा में आप लोग कभी सोचते हैं कि हम हर गांव में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे बनारस में, मिर्ज़ापुर में, इसे पूर्वांचल में? देखिए, नो डाउट इसमें कि हम ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ें अगर आगे नहीं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी अपनी होगी, हमारी अपनी इनिशिएटिव में, हमारी अपनी पहलकदमी में, हमारे अपने प्रयास में, तो वहाँ कहीं कोई कमजोरी होगी अगर ये कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो। इसमें हम कहीं भी सोसाइटी को, समाज को, या इसको हम नहीं देख पाते हैं, उसको हम और प्रयास उसको और हम तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम सब कुछ जोखिम में डाल करके समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस दौर में देख रहा हूँ कि जिस तरह का RSS का राज पूरे देश में और जिस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कोशिश हो रही है, इसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, और इस लड़ाई में हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी जो तथाकथित जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें सरेंडर कर चुकी हैं, और जिस तरह का दमन है, जिस तरह का अटैक है, और इस दौर में हम लेफ्ट को अगर आप देखेंगे कि एक छोटी ताकत होने के बावजूद पूरे देश में बेहद रिस्क लेते हुए और एक हर लड़ाई में आप देखेंगे कि अगुवाई करती हुई दिख रही है, हम समझते हैं कि इसमें जहां इसी में हमारे लिए संभावना है, और जहां कुछ लोगों के लिए संकट है, कुछ लोगों के लिए दमन है, वही हम हमारे लिए जो जोखिम उठा रहे हैं उनके लिए संभावना भी है, और हम इस संभावना को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं।